एआईपीएस क्रिकेट टूर्नामेंट में देश के अग्रणी खिलाड़ी भाग लेते हैं, जो विभिन्न सदस्य संगठनों द्वारा नियोजित उनकी छात्रवृत्ति अनुबंध योजनाओं के तहत पदोन्नत होते हैं। अतीत में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा, अजय जडेजा, राजेश चौहान, नरेंद्र हिरवानी, पवन कुमार, मुनाफ पटेल, वसीम जफर, ऋषि धवन और कई अन्य ने अपने नियोक्ता संगठनों का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा आने वाले क्रिकेटर्स रोजगार छात्रवृत्ति अनुबंध के माध्यम से सदस्य पीएसयू से जुड़े हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए बहुत जरूरी एक्सपोजर मिलता है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच भी मिलता है। डियर फ्रेंड्स, इट्स इंडीड अ मैटर ऑफ प्राइड एंड प्लेजर फॉर अस दैट वंस अगेन वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ रिज्यूमिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। टाइम्स आर नॉट नेसेसरली नॉर्मल, फुली नॉर्मल, सो वन ऑफ माई रिक्वेस्ट वुड बी that we follow COVID appropriate behavior and still go ahead, because life lies ahead, things need to go ahead. So as a result of which, when we met in November, I thought it appropriate to give it a big push, and what bigger push could be there by resuming with cricket. So I thought that has the maximum star power, and also that actually has become a unifying sport as far as the country is concerned. और हर साल होता है और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होता है यंगस्टर्स के लिए। ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है। क्या मैसेज रहेगा यूथ को, किस तरह से? नहीं, वो ही तो बोल रहा हूँ, यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा ये टूर्नामेंट होता है और ऊपर आने के लिए ये टूर्नामेंट बड़ा अच्छा होता है। सर, आपका नाम? ज्ञान बत्रा। प्रोग्राम टूर्नामेंट के बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली काफ़ी लंबे समय के बाद हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो कि काफ़ी गेम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, इसमें सभी पब्लिक सेक्टर्स के हमारे कंपनीज हैं। सो अभी आफ्टर कोविड, आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स लॉन्ग बैक, हमने खो खो का इवेंट किया था जयपुर में, तो उसके बाद अभी हम दिसंबर में 20 से 24 क्रिकेट का टूर्नामेंट एक करा रहे हैं, जिसमें करीब 12 टीम अभी तक कंफर्म हो चुकी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है, और ये इवेंट हम गुड़गांव में करा रहे हैं। कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और क्या विनिंग टीम को इनाम दिया जाएगा? हाँ, 12 कंपनीज हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर रही है, और विनिंग टीम को जो इनाम दिया, एक तो हमारे ट्रॉफी है, बाकी उस टाइम फाइनल में हम इसको डिसाइड करेंगे। क्या संदेश रहेगा सर यूथ के लिए, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? संदेश यही है कि भाई, जो एक डिप्रेशन का माहौल था कोविड की वजह से, हम उस माहौल को एक चेंज करना चाह रहे हैं, उसको एक री एनर्जाइज करना चाह रहे हैं, कि सो दैट कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनका एक मॉरल बूस्ट करने के लिए ये इवेंट ज़रूरी है, और हमने रीस्टार्ट किया एक तरह से इवेंट को। मेरा नाम एचपी सिंह है, मैं यहाँ पर ईडी हूँ और मैं अभी ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना है सर, जो टूर्नामेंट आप लोग करवा रहे हैं बहुत बड़ा प्रयास है। ये टूर्नामेंट हम अब खेल के विकास के लिए कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ की जो हमारे कोरोना की जो निगेटिविटी पूरी सोसाइटी में आ गई थी, तो ये स्पोर्ट्स उसमें एक नया रिजुविनेशन देगा, लोगों को इनकरेज करेगा, या हमारे यूथ को इनकरेज करेगा कि बाहर आएँ और खेलें, और उसके लिए हम पूरी प्रोत्साहन के लिए उन लोग इसमें उपस्थित होने वाले। इसमें टोटल 12 टीमों इसमें पार्टिसिपेट करने का है, जिसमें और इसमें काफ़ी होल हार्टेडली बहुत सारे पब्लिसिटी इसमें भी और आने बाकी हैं, बट अभी तक 12 हमारे पास जो टीम है वो आने का हमारे पास है। क्या इनाम दिया जाएगा इसमें? इनाम तो पहले तो ट्रॉफी है, और जो पर्सनल इनाम है वो अभी हम आपको बताना नहीं चाहते, बट बहुत अट्रैक्टिव इनाम है और उनके लिए बड़ा यूज़फुल इनाम है, और मेनली है कि ये प्रोत्साहन हम कर रहे हैं लोगों में, ये खेल भावना जगा रहे हैं, तो उसके लिए प्रोत्साहन की राशि उतना मैटर नहीं करती है जितना कि प्रोत्साहन मैटर करती है। मैं अभी वर्तमान में ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो बना हुआ है उसका कोषाध्यक्ष हूँ, और ये जो टूर्नामेंट हम 20 से 24 तारीख का गुड़गांव में करा रहे हैं सेक्टर 59 में, इसमें पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, और जैसा कि अभी चेयरमैन साहब वंजी सिंह ने भी शुरुआत में कहा कि उद्देश्य ये है कि खेल की भावनाओं से खेल शुरू हो, और लोग कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भी कैसे आम जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं, और कैसे वापस हम खेलों को अपनी आम जिंदगी में रोज़मर्रा के कार्यक्रम में ला सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। मेरा नाम वीपी सिंह है एंड आई एम हेड स्पोर्ट्स ऑफ ONGC। क्या कहना है सर, ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है इसके बारे में? टूर्नामेंट के लिए हमारे सारे प्लेयर जो हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी कोविड के कारण,
तो एक अच्छा मौका मिला है लोगों को, पूरी टीम तैयारी कर रही है एंड वी होप वील डू वेरी वेरी। जिस तरह से ONGC हमेशा से सपोर्ट करता आया, आगे यूथ के लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए मैसेज है कि स्पोर्ट्स इज़ ए वे ऑफ लाइफ, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा, और सबको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और जो लोग अच्छे हैं स्पोर्ट्स के अंदर उनको देश का झंडा ऊंचा रखना चाहिए विदेश में। हाय, मेरा नाम आरिफ खान है, मैं स्पोर्ट्स उडल्स प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और हमारे पास AIPS क्रिकेट लीग के मार्केटिंग एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स हैं, और हम लोग इस टूर्नामेंट को प्रमोट कर रहे हैं। मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग भी चलाता हूँ, द पंच बॉक्सिंग। तो ये आरिफ क्या कहना है, जिस तरह से ये यूथ को क्या मैसेज रहेगा इस टूर्नामेंट से? सो इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है इसमें, और इस पब्लिक सेक्टर कंपनीज की सबसे अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स को उनकी ग्रोइंग स्टेज में ये लोग स्कॉलरशिप पे अपने पास रख लेते हैं और उनको ईयरली टूर्नामेंट देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अमित मिश्रा, विराट कोहली, प्रवीण कुमार, ईशान शर्मा, ये सब लोग ONGC से निकले हैं। इसी तरीके से रोहित शर्मा, ये सब दूसरी कंपनीज में, युवराज सिंह एयर इंडिया से निकले थे। तो अभी तक पब्लिक को इनके बारे में नहीं पता कि पब्लिक सेक्टर कंपनी स्पोर्ट्स को किस तरीके से सपोर्ट करती है, बट आने वाले टाइम में हर बच्चे का एक यंग एज से ये टारगेट सपना बन जाएगा कि इसको पब्लिक सेक्टर कंपनी में जॉब मिले और उसके थ्रू वो इंडिया की टीम में है। नहीं, वापस में जरूर कहूँगा, ये बहुत बड़ा प्रयास है, क्योंकि 2-3 साल हमारे क्रिकेट ने भी इतना मुश्किल टाइम से सबको निकले, और ONGC का सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा कि इसको रिवेनिश करने का, रिवर स्टार्ट करने का, क्योंकि मैं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, मेरे को 15 साल ONGC के लिए हो गए, और ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे यंगस्टर्स और सीनियर्स का एक बहुत अच्छा तालमेल होता है, आपको सीखने के लिए भी बहुत मिलता है यहाँ पे यंगस्टर्स के हिसाब से, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलने के लिए। तो यूथ की ज़्यादा नई हायरिंग नहीं हो रही है जितनी पहले होती थी, ऐसा क्यों हो गया? नहीं, बिल्कुल हो रही है, मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि आप देखेंगे पिछले 8-10 साल के अंदर इतने यूथ क्रिकेटर इंडिया के लिए खेल रहे हैं, और आप पिछले देखेंगे 4-5 साल के अंदर कि इंडियन प्लेयर जो अभी हैं, इतना चांस मिल रहा है लोगों को, हमारे टाइम पे इतना चांस नहीं मिलता, आपको 3-4 साल परफॉर्म करना पड़ता था, अब तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक टूर्नामेंट में 2 टूर्नामेंट में अच्छा करें, आपको सीधा इंडिया कैप के लिए आपका नाम स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, नो डाउट कंपटीशन बढ़ रहा है, और यंगस्टर्स अच्छे अच्छे यंगस्टर्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ IPL, और हमारी ONGC जो टीम है, ONGC के जो जितने भी कर्ता धरता हैं वो हमेशा यंग टैलेंट को अपनी टीम में लाते हैं, चांस देते हैं कि बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेला जाए, और उस एग्जांपल मैं हूँ कि जब मैं छोटा था तो मुझे सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलूँ।